बैंक ऑफ बरोडा प्रेजेंट्स गुफ्तू कहा जा रहे हैं हम आपका बेटा बड़ा हो गया पापा और अब हमारा घर भी गेट क्विक एंड ईजी होम लोन्स फ्रॉम बैंक ऑफ बरोडा फॉर योर ड्रीम होम रेखता फाउंडेशन का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तु और गुफ्तगु में आज है हमारे साथ बेहद खास मेहमान जाने माने सितार वादक और गायक शुजात हुसैन खान जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं उस्ताद सुजात खान सितारवादक और गायक शुजात हुसैन खान आज हिंदुस्तानी संगीत का एक चमकता सितारा हैं। अपने दौर के मशहूर सितारवादक विलायत हुसैन खान के बेटे शुजात खान 19 मई 1960 को कोलकाता में पैदा हुए शुजात खान ने अपनी जिंदगी के शुरुआती छः बरस मुंबई में गुजारे उसके बाद अपने परिवार के साथ शुजात खान शिमला आ गए जहां बिशप कॉटन स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की ख़ानदान में सात पुश्तों से चली आ रही मौसीकी की रवायत ने शुजात खान को भी अछूता नहीं रखा शुजात ख़ान ने बहुत कम उम्र में अपने वालिद की शागिर्दी और उस वक्त के जाने माने संगीतज्ञों की सोहबत में रहकर संगीत में पुख्तगी हासिल कर ली शिमला से स्कूली शिक्षा पूरी करके शुजात खान ने पढ़ाई तर्क कर दी और अपने पैरों पर खड़े होने मुंबई आ गए मुंबई में शुजात की जिंदगी पर उनके पिता विलायत खान की बेपनाह शोहरत का साया रहा जिसने उन्हें खूब झटके दिलाए दुनिया के अलग अलग देशों में घूमते हुए अपनी गैर मामूली सलाहियतों की बदौलत जल्द ही शुजात खान ने संगीत की दुनिया में अपनी खास पहचान बना ली शुजात खान ने दुनिया भर की संगीत धाराओं के साथ कई प्रयोग किए हैं 2004 में भारतीय और ईरानी संगीत के फ्यूज़न पर आधारित उनके एल्बम द रेन को ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है शुजात खान ने अपने संगीत के सफर में बेहिसाब कामयाबी हासिल की है शुजात खान की एक बड़ी ख़ासियत उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने उन्हें हर तरह के एहसास और जज्बात अपनी मौसीकी में उतार देने की काबिलियत बख्शी है और यही बात उन्हें दूसरे कलाकारों से अलग करती है बहुत है बहुत स्वागत है शुजात साहब बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया हमको बताइए कि जिंदगी का एक ऐसा दौर होता है हर इंसान की जिंदगी में वो बाद में फिर एक एहसास बदलते हैं कि आप एक दौड़ में शामिल होते हैं आप सोचते हैं कि आप जल्दी से जल्दी शोहरत मिले जल्दी से जल्दी पैसा मिले जल्दी से जल्दी लोग आपको एक एक वो जगह जो आपके पीयर ग्रुप में सब लोगों ने हासिल कर ली है आपके साथ क्या सिलसिला है कि वो दौड़ जबकि आप दौड़ में शामिल होना चाहते थे फिर अचानक लगा कि नहीं ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है मुझे कुछ और ही चाहिए अगर आप आर्टिस्ट हैं और आप कोई गाना बजाना करते हैं तो आपको दौड़ में शामिल होना पड़ेगा ही क्योंकि आप अंदर से चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका गाना बजाना सुने आपका फ़न देखें आ, तो उसमें इसके कोई मतलब नहीं होता कि आपका बाप कौन है आपका ख़ानदान कौन है उससे कोई लेना देना नहीं लोगों का लोग आपसे फ़ाइनली हो सकता है पहली दफ़ा आपको सुनने आएंगे क्योंकि आप विलान के बेटे हैं तो अरे भैया सुन लो या सुनील दत्त के बेटे हैं तो इनको सर चलो या होगा मगर फाइनली कायल तो आपको खुद करना पड़ेगा अगर आप ये सोच के चलते हैं कि चलो भैया रेट रेस है मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा तो फिर एक सा रह जाएगा आप अपना गाना बजाना करते रहिए कहीं बैठे हुए मगर एक एम्बिशन होता है बर्निंग एम्बिशन होता है वो अलग चीज़ है कि इंसान उसमें गलत काम करे परेशान करे दूसरों को दूसरों के कंधों पे चढ़ चढ़ के आगे बढ़े मगर एक एम्बिशन तो होना चाहिए आर्टिस्ट को कि मैं एक जगह मकाम पे पहुंचना चाहता हूं ताकि मैं भी उस वक्त के जो लोग हैं उस एर के लोग हैं उनमें मेरा भी नाम शुमार तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद डैट तो ऐसे भी इतने बड़े बाप के बेटे होने से बचपन से यह पक्का हो गया था कि अगर ये काम करना है तो आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क और उसको आगे जाके बढ़ाना है ठीक है एक नॉर्मल चीज़ है मैं इस चीज़ को अच्छा बुरा नहीं समझ मैं मुझे मीडियोक्रिटी नहीं पसंद है भाई साहब अगर कोई नहीं है तो आप लुंगी बनियान में बैठे रहिए दरी बिछाइए गुल तकिए लगाइए इसमें प्रॉब्लम क्या है अभी ठीक है या फिर अगर आप कुछ करना चाहते हैं और उसमें एक्सेलेंस नहीं चाहते तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है तो अगर आप एज ए म्यूजिशियन मीडियोक्रिटी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी जिंदगी में जैसे बाबू होता है जी। एक दफा गवर्नमेंट की नौकरी लग गई तो ये पक्का हो गया यार क्या है अब मैं जाऊंगा ऑफिस में बैठूंगा पहले चाय पीऊँगा एक घंटे फिर एक घंटे किसी से बातचीत करूंगा फिर लंच हो गया लंच के बाद फिर एक घंटे काम करके फिर चाय हो गया उसके बाद तो घर जाने का टाइम हो गया चार बजे से आपने अपना फाइल बंद कर दिया पाँच बजे देखा निकल मगर कोई काम से तो निकालेगा नहीं बट यू आर हैप्पी विद दैट क्योंकि आपको पता लग गया ये पैसे मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी ये पैसे मैं एक छोटा सा घर बना लूँगा ये मेरा रिटायरमेंट फंड है कहानी ख़त्म इट्स ओके okay. मैं नहीं मान मैं मैं मीडियोक्रेसी से मुझे तशफ़ी नहीं होती तो काम तो करना है पड़ता है बट मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो दूसरे लोग नहीं करते हैं आप करते हैं ये जो अभी कैमरा में लोग हैं ये करते हैं जो डायरेक्ट कर रहे हैं सबको एक जगह हासिल करने के लिए दे हैव टू एक्सेल एंड वर्क हार्ड नेचुरल तो चूंकि आपने अपनी एक दो दूसरी बातचीत इंटरव्यूज़ के दौरान ये बात कही कि था वो ऐसा दौर जब आपको भी इस दौड़ में शामिल होना था लेकिन फिर वो एक एहसास आया कि नहीं वो वो दौड़ आपकी दौड़ नहीं हो सकती आपको तो कुछ अंदर से वो खुशी चाहिए। वो अब हुआ मैं 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 आपके पहले सवाल से मुझे ऐसे लगा कि आप पहले की बात कर रहे हैं तो वो दौड़ में शामिल होना पड़ता है फिर आप दौड़ दौड़ के दौड़ दौड़ के दौड़ दौड़ के एक जगह जब पहुँच जाते हैं तो पता लगता है कि अब इसके आगे भी कुछ और इंसान को चाहिए सिर्फ दौड़ते रहने का कोई फायदा नहीं दिस इज व्हाट आई मेंट जी सॉरी नहीं वही तो मैं पूछ रहा था कि वो एहसास कब होता है, हुआ होगा आपको साहब वो एहसास तब होता है इंसान के जिंदगी में जब उसके सारे जो आर्टिस्ट होने के नाते सारे जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो जाए हर आर्टिस्ट का ड्रीम है कोई एक्टर बनना चाहता है प्रेम चोपड़ा बनने कौन जाता है कि जी मैं रंजीत बनूंगा सब अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं सेम वे वन यू गेट इन टू म्यूजिक आप अपने युग के अपने इरा के सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट होना चाहते हैं आप सितार बजाते हैं तो सरोद बजाते हैं जो वो चीज वो एहसास एक डिजायर कि मैं करता बेहतर करता रहो बेहतर कर अपने टाइम का मैं एक मायानाज सबसे बेस्ट आर्टिस्ट कहलाऊं जब उस पर पहुंचेंगे तभी जाके आपको पता लगेगा कि ये तो हो गया अब इंसान रुक के सोचे कि मगर फाइनली आई एम ए म्यूजिशियन म्यूजिक में क्या क्या और मजे लेना है क्या गाने बजाने की तफरी करनी है मजाक करना है तो फिर एक रिलैक्सेशन आने लगता है क्योंकि वो आप को एक कोई एक अचीवमेंट जो होता है उसके पीछे जो दौड़ रहे थे वो जरूरी है वो कर लिया आपने कभी कभी आप देखिएगा कुछ खुदा सब पे मेहरबान नहीं होता तो कुछ आर्टिस्ट हैं जो ये अचीव नहीं कर सकते वो सारी जिंदगी एक उसके अंदर एक बेचैनी रहती है जब आप उनसे बातचीत करेंगे जब उनको देखेंगे उनका चाल चलन बैठना एव हर चीज़ बेचैन है स्टेज पे बैठेंगे माइक्रोफोन ठीक नहीं है हाँ अच्छा इस बस को ठीक करोगे कु, कुछ किसी को कुछ बोला फिर अपने ये ठीक करता ठीक किया यू अंडरस्टैंड देर इज डिज़ायर टू गेट बेटर और तो ये जो आप पूछ रहे हैं ये बहुत वक्त अभी हो सकता है हाल ही में दस एक साल हुए होंगे जब मैं लोगों ने मुझे ऐसी जगह जाके रखा कि एक एहसास हुआ कि हाँ जिस चीज़ को मैं करने चला था वो लोगों ने सराहना की और एक जगह पहचान हो गई अब मैं अपना म्यूज़िक और उसका इमोशन उसको एंजॉय करना चाहता हूँ तो जो स्ट्रगल है जो ह्यूमिलिएशंस है मेरे जो जो मुझे जलील किया गया जो मुझे तकलीफ़ दिया गया जो मुझे पीछे धकेला गया वो सब भी मिलके इंसान को एक अंदर से आग देते हैं कि नहीं अच्छा मैं कुछ और करके दिखाता हूं मगर फिर पता लग जैसे रिवेंज लॉट ऑफ पीपल वर्क वेरी हार्ड इन देयर लाइफ फॉर रिवेंज कि मेरे को इस आदमी ने ऐसा बोला था अब देखो मैं, मैं करके देखो इस, मैं इसके लिए एक दिन इसको सामने बैठाऊंगा और फिर देखूंगा कोई ज़... फिर वो रिवेंज का बर्निंग होता है फिर एक दिन जब वो मौका आता है तो पता लगता है कि कितने जिंदगी आपने इस गलत ख्याल में इस गलत बर्निंग में इस गलत एहसास में गुज़ार दिया तो ये भी होता है मेरे साथ रिवेंज नहीं था मेरे साथ ये था कि एक पता लग रहा था कि अच्छा ये जो लोग मुझे नीचा दिखा रहे हैं या मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं या मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे हैं वो थोड़ी सी उनकी अपनी घबराहट और कमी है कि यार ये विलायत खान का बेटा है ये तो हमसे आगे चला ही जाएगा या, या, या फिर थोड़ी बहुत ये कि अगर विलायत खान का बेटा है तो नेचुरली एरोगेंट होएगा ईगोइस्टिकल होएगा तो इसको पहले से ही हम लोग जरा दबा के रखें तो ये भी चलता है तो दस एक साल पहले ये जाके हुआ कि आई हैव नाउ गॉट टू पॉइंट वेर आई वॉन्ट टू इन्जॉय बींग एन आर्टिस्ट एंड परफॉर्म ऑल्सो फॉर माई सेल्फ एंड फॉर यू अच्छा आप अपने बचपन को याद करते हुए अक्सर ये बात कहते हैं कि आ, रियाज के वो दिन ऐसे थे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रियाज़ में दिया करते थे जिससे आप एक आपका कहना है कि आप एक गुडिश म्यूजिशियन तो बन सकते थे लेकिन उसमें जो इनोवेशन था उसके लिए बाद में आपको कोशिश करनी पड़ी और उस दौर को आप याद करते हुए कहते हैं कि वो एक तरह का स्केप था आपके लिए जी। थोड़ा समझाइए वो क्या था साहब मैं इस पर बहुत से इंटरव्यूज में बात करता हूं मैं इस पर ज्यादा डुवेल नहीं करना चाहता क्योंकि लोगों को गलत फहमी होती है कि मैं शिकायत कर रहा हूं हर इंसान जिसको खुदा ने सब कुछ दिया है उसको वो भी शिकायत करता है तो अजीब लगता है कि यार तुम क्यों शिकायत कर रहे हो आप मेरी जिंदगी देखिए बचपन से भी मैं बड़ा हुआ बारह बेडरूम के घर था महल था उधर बड़ा हुआ चार मर्सिडीज सामने खड़े रहते थे बारह नौकर तो जिंदगी उस हिसाब से बाहर से देखी जाए तो ठीक थी मगर मेरे माँ बाप में जो तनाव उस वक्त चल रहा था आ, मेरे थोड़े साल बाद मेरे और मेरे वालिद साहब के बीच में जो तनाव चल रहा था वो जो ख्याल थे वो एक पहले बच्चे जब मैं छोटा था तो बड़ी तकलीफ़ देता है क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन हमारे माँ बाप से ये रहते हैं कि दे आर ऑलवेज देयर फॉर अस इन टोटैलिटी और वो तो गलत हो ही नहीं सकते तो मैं एक तरफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड मेरे निगाह में अदर साइड टेरिबल फैमिली लाइफ अब क्या होता है कि जब मैं उस फैमिली लाइफ या मेरी तकलीफ या क्या क्या होता था मेरे घर में उसके तरफ जब तवज्जो देता हूँ या बात करना शुरू करता हूँ तो लोगों एक वायक अजीब मजा आता है कि अरे चलो इसकी तकलीफ या घर पर क्या हो रहा था क्या होना क्या था एक नॉर्मल चीज़ होती है लोग शराब पी रहे हैं पार्टियाँ है चल रही हैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं रोज़ लड़ाई झगड़ा माँ बाप में यही जैसे होता है अनहैप्पी रिलेशनशिप में मगर अगर आप इस उम्र में है कि यू कैन अंडरस्टैंड ओजर मैं ज़रा छोटा था आठ नौ सात आठ नौ साल का था तो आई डेंट नो हाउ टू 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 अंडरस्टैंड दैट तो उस वक्त ये था कि एक चीज़ हुआ कि मैं अपना फ्रस्ट्रेशन और डर और गुस्सा और नाराज़गी और तकलीफ पूरा रियाज में गुजार देता था तो दिन को स्कूल जाता था मैं आ, स्कूल के बाद स्पोर्ट्स एक दो घंटे कुछ ना कुछ थे। फिर वापस आके एक दो घंटे शाम को सोता था तीन घंटे तीन घंटे सुबह मगर रात को दस से सुबह पांच बजे तक प्रैक्टिस करता था तो वो एक स्केप रूट भी था अब जैसे आप आ, लड़ाई करने लगे किसी से मगर मैं इधर सितार बजाने लगूं तो मेरे को सिर्फ सितार की आवाज आएगी तो आ, प्रैक्टिस uh, ऐसी चीज़ होती है बड़ी हार्ड ब्रेकिंग निरेगा माधानी जरा सा निधम गे सा निधानी जरा सा निधम गरे सी रेगा माधानी जरा सा निध म गे सा कितनी देर सुनोगे यार अभी मैं आपको बोलूं अच्छा अब वो जरा गाना सुनाओ शुरुआत अच्छा रुकिए मगर ज़रा मैं पहले वार्म अप कर लूं चार घंटे सिर्फ एक चीज़ करते रहे अजीब लगता है मगर वो एक फ़ाउंडेशन बहुत ज़रूरी है आर्टिस्ट के लिए तो टू ड्राउन आउट द वर्ल्ड मैं प्रैक्टिस करता था इसमें कोई अच्छी या बुरी बात नहीं है। अब मैं किसी दूसरे आर्टिस्ट को कहते कह सकता बच्चे को कि बेटा अब तू अपने घर में अशांति फैला कर फिर तू बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन जाएगा <laughs> <laughs> ये तो ये तो नहीं कह सकता वो हो गया अब वो हो गया तो हो गया मगर किसी के अलग अलग लोग अलग अलग मोटिवेशंस ढूंढते हैं मेरा ये था फिर जैसे बड़ा होने लगा फिर मेरे प्रॉब्लम्स मेरे उस्ताद के साथ कोई कभी नहीं रही बिकॉज वी हैड नो प्रॉब्लम बिकॉज आई आई मैं उनको पूछता था अभी पूछता हूँ बट एज अ फादर वी हैड डिफरेंसेस मैं भी ज़रा एक वॉलेटाइल पर्सनैलिटी है मेरी उनकी तो वो क्लैश होते थे तो हम लोग दूर दूर रहते थे पास आए फिर दूर हो गए फिर कुछ एक्सटर्नल फिर इंटरनल सिचुएशंस भी थे हमारे फैमिली में उन्होंने भी इस चीज को और आग दिया तो माई फैमिली लाइफ टिल आई वॉज 17, एटीन वॉज हेल मगर जैसे मैंने बोला मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ क्योंकि ठीक है आ, कभी कभी जिंदगी में लोगों को तकलीफ होती तो मैं क्या उस दुनिया भर को थोड़ी बोलता फिरूंगा हुआ।, हुआ फिर मैं घर से जब निकल गया उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी में वो चेंजेस लाना कोशिश करी मैंने जो मुझे पसंद है मुझे लग्जरीज़ पसंद है मुझे घर पसंद है मुझे बीवी बच्चे एक फैमिली एक नॉर्मैलिटी पसंद है okay. तो दैट आई वाज एबल टू अचीव तो आ, वो उधर से निकल के निकल के इधर तक पहुँचे तो देट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट पार्ट मगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इसी तरह, उसी टाइम इसी तरह होता था वैसे हुँ। आपकी पैदाइश किस शहर की है मैं कलकत्ते का पैदाइश हूँ बिकॉज़ मेरे वाले साहब बम्बई रहते थे उस टाइम पे, मेरी माँ कलकत्ते की हैं और मेरे दादा का घर कलकत्ते में तो कलकत्ते उस टाइम जैसे नानी के घर पे पैदा हो के घर पर पैदाइश होते हैं फर्स्ट चाइल्ड होता नहीं है लड़की अपने माँ के घर चले जाते तो इस कलकत्ते का पैदाइश है रहा नहीं कभी हाँ फिर मतलब आ, फिर आप लोग वापस मैं कलकत्ते में फिर पैदा हुआ, उस फिर बम्बई रहा छः साल बम्बई रहा छः साल की उम्र में आ, मेरे वालिद साहब शिमला शिफ्ट कर गए उनको एकदम से हो गए नहीं यार ये ज़रा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये शहर का ये ज़िंदगी है सब टू मच पार्टी टू मच ये मैं दूर कहीं चले जाऊँगा तो शिमला शिफ्ट हो गया शिमला में बड़े खूबसूरत एक परी महल बोल के एक जगह ली उन्होंने और उधर रहते थे और मैं उधर बिशपकॉट में पढ़ने लगा तो उधर ही रहे हम लोग फिर उसके बाद वाले साहब देहरादून शिफ्ट हुए जब तक मैं स्कूल ख़त्म करने को था तो देहरादून रहने लगे क्योंकि ज़रा हाइट कम थी वो भी अशांत रहे बचपन से बहुत उन्होंने पता नहीं कितने घर कितने घर बदले हैं क्योंकि वो ये नहीं समझते थे कि अगर जो अशांति हो रही है अंदर अंदर तकलीफ हो रही है वो घर के वजह से नहीं है वो आपके खुद के वजह से है उनको ये लगता था चलो मैं दोस्त बदल लूँगा जगह बदल लूँगा तो ये मेरे दिल से थोड़ा मैं अच्छा हो जाएगा मेरे को मेरे को सुकून मिलेगा तो कभी बम्बई रहे फिर कलकत्ते रहे फिर दिल्ली आ गए कुछ दिन फिर शिमला चले गए फिर देहरादून चले गए फिर वापस कलकत्ते गए फिर अमेरिका चले गए थे फिर वापस आए तो ऐसे करके ज़िंदगी वो गुजारते रहे तो आ, मेरा फिर एक दफ़ा जब मैं निकल आया उनसे 18 साल की उम्र में फिर मैं दुनिया भर ट्रैवल करता था बैकग्राउंड म्यूजिक लेकिन पूछूं कि वो बिशप कॉटन की पढ़ाई के बाद फिर आपने क्या पढ़ाई जी पढ़ाई कभी या? नहीं आपने क्या पढ़ाई की कभी मैं मैं स्कूल बड़े मुश्किल से ख़त्म किया है सीनियर कैमरिज उसके बाद वही इतने मुश्किल से किया है पढ़ाई का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता था भाई साहब ऑलरेडी प्रोग्राम्स कर ही रहा था और मुझे मालूम था कि कॉलेज वाले जाके वक्त बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है नहीं। क्योंकि क्या फ़ायदा है जो मैं पढ़ ही नहीं सकता हूँ मैं अजीब है मेरे माइनर डिस्टैक्ट जैसा समझ लीजिए वो देखता हूँ सोचता हूँ अजीब लगता है तो इसलिए कभी कभी क्या क्या कर... तो जब पढ़ता हूँ नंबर्स जब मेरे सामने आते हैं कभी कुछ देखना पड़ता है ऐसा तो मुझे अंदर से एंगजाइटी होती है मुझे अच्छा नहीं लगता मैं चेक साइन करता हूं अगर चेक लिख दूं तो नौ दस में से नौ दफा चेक वापस आ जाएगा कि आपने ये अल्फाज गलत लिखा ये नंबर गलत लिखा साइन गलत लिखा दुनिया ये सब प्रॉब्लम है तो मेरे को पता लगा कि ये मेरा शौक नहीं है लेकिन सीनियर सेकेंडरी तक की जो पढ़ाई थी आपने ठीक से पढ़ी और पास वास की ठीक से तो बोलना बड़ी मुश्किल है <laughs> <laughs> जी <laughs> जी कर ली हाँ आज मैं अगर नौकरी ढूंढने जाऊँ तो कोई मुझे नौकरी देगा नहीं बिकॉज आई एम नॉट अ ग्रेजुएट बट दैट इज अंडरस्टैंडेबल जी उसके बाद मैं बंबई में बहुत दिन रहा बैकग्राउंड म्यूजिक ये जो 18 साल की उम्र में अपने घर छोड़ा तो सीधे बम्बई गए हाँ। हाँ। और किस इरादे से गए और कुछ था कि पैसे, कमाना। पैसे कमाना पैसे और कोई इरादा नहीं, नहीं। पैसे कमाना हाँ। ताकि मैं मस्ती कर सकूं पैसे कमाऊंगा तभी तो क्लब में जाऊंगा तभी तो रेस्टोरेंट में जाऊंगा तभी दोस्त अहबाबों के साथ घूमूंगा फिरूंगा घूमा देट वॉज माई ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं कि मजा नहीं आता था मजा आता था क्योंकि मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आर डी बर्मन कल्याण जी आनंद जी ऐसे ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर बंबई पहुंचते ही ये सब आपके शुरू वो तो था। उसके पहले से भी होता था पंद्रह साल की उम्र से मैं बजाता था बैकग्राउंड मैं आर्टिस्ट बहुत अच्छा हूं गुरु आप ऐसे पूछ रहे हो कि जैसे अरे क्या हो गया पंद्रह साल का यकीन मानिए नहीं नहीं वो तो आठ साल की उम्र से तो काम बहुत अच्छा करता था तो और अच्छा लगता था लोगों से मिलकर और ये सब जानते थे मैं इनको कितना रिस्पेक्ट करता हूँ तो बड़ा मज़ा किया मैंने वो वक्त तो जब भी बम्बई आता थे सब फोन करके जाके मिल लेता था कि मैं आ गया हूँ मैं इधर हूँ दस पंद्रह दिन तो कोई भी पीसेज होते थे तो बजा लेता था फिर उसके बाद कभी अमेरिका चला गया उधर छः महीने रह गया घूमता रहा कभी बर्तन धो लिए कभी बसें धो ली कभी फ्रूट पिकिंग कर लिया कभी कुछ कर लिया फिर इंग्लैंड चला गया फिर उधर घूमते रहे उधर कोई मिल गया दोस्त साहब आप चलो ठीक है रशिया चले गए साइबेरिया चले गए मंगोलिया चले गए मतलब दुनिया भी देखा घूमा जहाँ आई वॉज बेसिकली प्लेइंग टू अर्न नॉट प्लेइंग टू बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट एट दैट टाइम उसके बाद ये दौर कब तक चला होगा चौबीस साल की चौबीस साल चौबीस साल की उम्र पे जाके ये हुआ कि नहीं आई वॉन्ट लेकिन जहाँ जहाँ भी आप जा रहे होंगे अपने पीछे अपने वालिद की शोहरत और वो बैगेज आपका आपका नुकसान कर रहा था आज भी वो बैगेज नहीं बोलना चाहिए आज भी वो है वो भाई विलायत खान साहब के आप बेटे हैं इसमें इससे दौड़ भाग के कोई फायदा नहीं है आज ये है कि शुजात बोल के भी एक एक्सेप्टेंस हो गया एक अलग बहुत से लोग हैं जो उन्होंने शुजात खान नॉट नेसेसरी ओनली एज विलायत खान सन बट मोस्ट ऑफ माई लाइफ ये तो रहा ही है एक आ, एक कंधे पे बोझ रहा ही है सर पे बोझ रहा ही है लोग भी तो भूलने नहीं देते आपको और होना भी चाहिए हर हमारे फील्ड में आपके गुरु क्या हैं आपका खानदान क्या बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और अगर आप इस किस्म के लेजेंड के बेटे हैं तो वो तो रहेगा ही साथ में बट वो तो सबके होता है एक एक इसको तकलीफ समझिए या राहत समझिए तो वो जिंदगी भर वो रहा कहीं भी जाता था तो तो इस वजह से एक्सेप्टेंस भी जल्दी मिल जाती थी मगर नॉन एक्सेप्टेंस भी होता था रिजेक्शन भी होता था कि अरे वो विलायत खान का बेटा है उसको क्या प्रॉब्लम है अरे शाहिद भाई हैं निषाद भाई हैं बुद्धादित्य हैं उनको दे दो काम बेचारे और ये तो क्या है इसको तो क्या प्रॉब्लम है घर है गाड़ियाँ हैं इसके तो दैट वॉज द परसेप्शन और मैं भी ठीक है ज़रा हट्टी किस्म का हूँ मैंने ये परसेप्शन बदलने में कभी ज़्यादा कोशिश नहीं करी आई डोंट लाइक टू फील मेक पीपल फील कि मैं किसी तरह से मायूस हूँ या मुझे तकलीफ है उसको क्या लेना देना तो मैं रियलाइज किया कि मैं पैसे तो ऑलवेज कमा ही सकता हूँ मगर जहाँ तक मेरी आर्टिस्ट्री है अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं मगर मैं भीख नहीं मांग सकता कि मुझे प्रोग्राम दे दो मैं फ़कीर नहीं हूँ मैं आर्टिस्ट हूँ मैं भीख मंगा नहीं हूँ मैं आर्टिस्ट हूँ आप देख तो रहे हैं तो मुझे आप क्यों नहीं सुन रहे हैं आप क्यों नहीं समझ रहे हैं मैं अच्छा बजाता हूं औरों से बहुत अच्छा बजाता हूं तो प्लीज मान ली मगर आप अगर मुझे इसी करके दबाते रहेंगे नहीं तो विलायत खान का बेटा है तो हम इसको दबाएंगे या अपनी आपको क्या सोचता है दबाएं अगर ऐसे चलता रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा तो मुश्किल का टाइम था भाई साहब सो इट वॉज सोसाइटी एंड लिसनर्स अगेंस्ट मी आई अगेंस्ट देम ये क्लैश चला तो एक्सेप्टेंस नहीं मिलता था ठीक तो है कोई बात नहीं चौबीस साल की उम्र में आई गॉट मैरिड और uh, उसके बाद दस पंद्रह साल बड़ी तकलीफ से गुजरी बिकॉज uh, पैसे नहीं थे काम नहीं था बच्चा अच्छी थी ए, उसको दे। तो ठीक है मगर अगर वो वही है कि अब एक इंटरव्यू में कितनी देर मैं अपनी तकलीफ के बारे में बात करता हूँ That was a good time, but times बात तकलीफ की नहीं है शुजात साहब ये शायद ये एक हर इंसान की जर्नी और हर जर्नी एक स्पेशल जर्नी होती है उससे आप भी सीखते हैं और हमारे देखने वाले भी सीखते हैं जो भी आपकी ज़िंदगी के बारे में सुन रहा है वो सीखेगा ये जो छः सात साल आपके यूरोप और अमेरिका में टहलते हुए गुजरे जिसमें आपका कहना है कि वो तो आप ज़्यादातर पैसे कमाने के ही लिए कर रहे थे जिसमें एक जगह तो आप ये भी कहते हैं कि स्पेनिश रेस्तरा में आप आ, गाते भी, भी गिटार भी बजाते थे जी। आ, तो लेकिन ये सब करते हुए आ, आप बिल्कुल एक तन तनहा अकेले आदमी थे या फिर आपके आसपास दोस्तों का भी कोई सपोर्ट था और इस चीज़ के अलावा कि पैसे कमा लेने हैं के अलावा भी कोई ख्वाब उस वक्त था नहीं भाई साहब ख्वाब तो बचपन से था मगर ये पता लग रहा था कि अगर सोसाइटी मेरे को रिजेक्ट करती रहेगी और आर्टिस्ट लोग सुनने वाले मुझे रिजेक्ट करेंगे तो मेरा मन नहीं लग रहा ठीक hmm. है कोई बात नहीं तो मत करो आ, तो पैसे तो कमाने थे क्योंकि पैसे नहीं कमाएंगे तो तफरीबाजी कैसे करेंगे तो वो दौर मतलब तफरी करना है पार्टी करें जिनको दोस्त कहते हैं बेसिकली दोस्त क्योंकि आई हैड मनी तो वो जिप का पैसे होते हैं तो दोस्त इमीजिएटली हो जाते हैं आप कहीं जाके घुस जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में किसी नाइट क्लब में किसी डिस्कोटेक में किसी बार में किसी गए बीस हमारे साथ साथ घूमते थे क्योंकि मैं कमा लेता था और अच्छी तरह बात करता हूँ शराब पीता नहीं कभी ज़िंदगी में तो ये भी नहीं है कि घर छोड़ेगा कौन हमको वो पी ले तो चलो विश्वजात घर छोड़ाएगा तो बहुत से रिश्ते उस टाइम चले कुछ कोई टिका नहीं क्योंकि वो उसी टाइम के रिश्ते होते हैं चाहे वे रिश्ते बन गए रिश्ते बन गए उसी एक साल दो साल पंद्रह दिन दो दिन पे एक तीन मत इस तरह बिकॉज इट इज़ अ आई डोंट वांट टू कॉल इट वेस्टेड सब लोग सोचते हैं वो वेस्टेड टाइम था मगर कुछ उधर जिंदगी की रियलिटीज देखने को मिली समझने को मिली ये दिमाग में आया कि बड़े बाप का बेटा होके माइनस प्लस क्या हैं अकेले जब बाहर निकलते ज़िंदगी में तो भूख क्या है तकलीफ़ क्या है मुझे जब भूख और तकलीफ़ का एहसास होता है तो मैं सोच सकता हूँ कि आपको भूख और तकलीफ़ जब ऐसे में कोई होता है सड़क पर मिलता है कोई मिलता है कोई तकलीफ़ में होता है तो अगर आपको एहसास ही नहीं है क्योंकि आपने कभी एक चीज़ एहसास नहीं की सर्दी अभी जो आ, अफ्रीका में रहता है उससे बोलो यार ठंड में बड़ी एकदम से कपकपाहट होती है और दिल पहत, तो वो आपको अजीब समझेगा कि ये क्या होता है या कोई एंटार्टिका में रहता है उसको बोला यार क्या मज़ा आता है जब धूप निकलती है आप शॉर्ट्स पहन के ज़रा धूप में लेटे उसको समझ में नहीं आता तो एहसास तो करना पड़ेगा ना सो इट वॉज़ अ गुड थिंग आई गॉट ए चांस टू ट्रैवल द वर्ल्ड मैं हज़ारों करोड़ों लोगों से ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ दुनिया देख चुका हूँ लोगों से मिल चुका हूँ एहसास अलग अलग किस्म के हुए फिर एक टाइम आता है कि वो एक सिस्टम में से निकल गया और फिर ये हो कि चलो अब मैं कुछ आ, आ, हिंदुस्तान में रह के किसी और चीज़ पे तोजू दूँ आर्ट म्यूज़िक नहीं होगा तो कोई बात नहीं मगर ये सब जो एक्सपीरियंसेस होते हैं इससे म्यूज़िक भी बदलता है और जब म्यूज़िक बदलने लगता है तो लोगों का ये होता है कि अच्छा ठीक है कुछ ना कुछ उनको मिल रहा है ये उसको हटाए हटाने के बावजूद उसको दबाने के बावजूद जब वो बजाता है तो आपको कुछ असर होता है तो फिर लोग सुनना शुरू करते हैं तो Took a little time. Uh, फिर आप देखेंगे कि ये सब करते हुए जो आपके पास चाहे वो अपने पर्सनालिटी के एक्सटेंशन का या एक्जिस्टेंस का जो टूल आपके पास वो तो वही है जो आपके हाथ का हुनर जो प्राइमरली आपको आपके वालिद गुरु उस से मिला वो तो आपका सितार या मौसी ही आपका एक सेंट्रल एक, एक, एक टूल जो टूल आपकी इन सारे यात्राओं और इतने सारे सफ़र के बीच उस पर भी कुछ असर पड़ता जाता है मसलन के दुनिया भर में घूमते हुए आपको दुनिया भर का म्यूज़िक भी सुनने को मिलता है म्यूज़िक में क्या नए ट्रेंड्स बदल रहे हैं वो फिर अपने अपने मुल्क में क्या बदल रहे हैं ये फिर आप खुद अपने अंदर भी कुछ एक बदलाव महसूस करते हैं और ये सब कुछ मिलाकर आप अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ जो आपका बिहेवियर है और जो उससे निकलने वाली आवाज़ें हैं उसकी जर्नी ज़रा बताइए कि वो कैसे आपने महसूस की कि कैसे कैसे बदली वो तो बहुत डीप बात कर रहे हैं आप इतना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं आप ही ने... ने सोचा है इसीलिए पूछ रहा <laughs> हूँ नहीं नहीं, नहीं 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 ये ज़रूर पक्का है कि जो एक्सपीरियंसेस इंसान की ज़िंदगी में होते हैं वो कहीं ना कहीं जाके म्यूज़िक से ही नज़र आते हैं जो शायर होता है वो अपने एक्सपीरियंसेस को शायरी में इजहार करता है पेंटर होता है वो पेंटर में इसी तरह आर्टिस्ट होता है तो उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं अच्छे बुरे, बुरे हर किस्म के इमोशंस जो हैं वो म्यूज़िक में इज़हार होते हैं तो ये ज़रूर है अगर इंसान का बहुत ज़्यादा क्लोज्ड अप ब्रिंगिंग हो तो उसके म्यूज़िक में थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा हो जाता है मैकेनिकल हो जाता है क्योंकि उसका कोई एहसास नहीं है इमोशंस नहीं हैं जो उसको पोर्ट्रे करेगा तो ये ऑलवेज़ uh, ऑलवेज़ जो आप महसूस करते हैं अपने दोस्तों में अपने दोस्तियों में अपने तकलीफ़ों में अपने खूबसूरतियों में बहुत अच्छी चीज़ें देखने में वो हर चीज़ uh, आपको याद आती है जब आप म्यूज़िक बजाते हैं इंसान जब म्यूज़िक बजाता है तो इट्स लाइक आई एम टेलिंग अ स्टोरी कोई ना कोई अपनी जिंदगी का एक हिस्सा का कहानी उठा के मैं बता रहा हूं थ्रू दैट राग तो आ, उस तरह आप अपने इमोशंस को किस तरह चैनलाइज करते हैं वो मगर इमोशंस होने तो चाहिए ना तो इमोशंस एक्सपीरियंसेस मेमोरीज ये सब चीजें जब डेवलप होकर भरते हैं भर जाता है अंदर फिर वो उमड़ता है म्यूजिकली मैं अपने आप को दूसरों से अच्छा या ग्रेटर या फास्टर म्यूज़िशन नहीं समझता माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे गाने बजाने वाले लोग हैं इंडिया में और नए नए आ भी रहे हैं लेकिन मेरे जितने एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी की एक्सपीरियंसेस जिसने सही हूँ सहा या देखा या महसूस किया या इन्जॉय किया या उसको ढूंढा ये बहुत कम लोग हैं ऐसे बहुत कम लोग हैं मेरे इरा में कोई भी नहीं है जिन्होंने उस्ताद विलायत खान साहब उस्ताद अली अकबर खान साहब बड़े गुलाम अली खान साहब भीमसेन जोशी उस्ताद अमीर खान साहब ऐसे आर्टिस्टों के साथ दिना दिनी दिना दिनी महीनों गुजारे हों कोई नहीं है तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो बेचारे <Har League> अब एक तरीका है कि आपने सीख लिया कि हाँ बंदिश दो दा दो दो दा दो 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 कोई भी जो अच्छा गाता है वो तो गा ही सकता है कौन, yeah, कौन जतन से पिया को मनाऊं? ये कौन जतन से पिया को मनाऊं? मगर अगर आप उस्ताद अमीर खान साहब के साथ सारी रात बैठे हैं वो अपना ड्रिंक पी रहे हैं और बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं और आप भी टिके हुए बैठे हैं कि कब कब मूड आएगा तीन साढ़े तीन चार बजे सुबह एकदम से अरे सुजात ऐसे बैठते बैठते ऐसे बैठते थे ये बंदिश याद है दूंगो मैंने बोला जी मुझे कहाँ याद है और इसमें देखो जतन कितना खूबसूरत अल्फाज है ना ऐसे जी हाँ बिल्कुल जतन खूबसूरत hmm, कौन जतन तो कौन इस तरह बोला जा रहा है मगर जब जतन बोल रहे हैं तो उसमें कितने सबमिशन आ जाती है कि कहा किस तरह क्या करूँ मैं hmm. तो कौन जतन से पिया को ये शुजात खान के अलावा तुम कहां से लेके आओगे दिस इज़ एन एन आर्टिस्ट आर्टिस्ट फ्रॉम कितना रियाज मैंने बोला ना रियाजी कमाल के रियाजी लोग हैं मेरे से बहुत तेज बहुत अच्छा बहुत कमाल का गाना बजाना करते हैं एक एक सितारियों को उठाइए तो आप पागल हो जाएंगे मगर यह है मेरी जिंदगी का निचोड़ दिस इज द नेक्टर ऑफ माई लाइफ कि मेरे को खुदा ने ये ऑपरचुनिटी दी कि मैं ऐसे ऐसे आर्टिस्टों के साथ और किया भी मैंने किशोरी मैं उनके साथ बैठा हूँ लंदन में सारी रात उनका मूड अच्छा नहीं है मेरा मूड ठीक नहीं है ऐसे अच्छा कोई बात नहीं फिर चलिए बैठते हैं हम भी बैठे रहेंगे आप भी बैठिए बैठे मुझे भी गाली दे रही हैं गुस्सा कर रही हैं बैठे भीमसेन जोशी हैं उनके साथ कहीं बैठे हैं घूम रहे हैं उनके साथ बैठे हैं उनकी बातें सुन रहे हैं उनके अगर वो भाई साहब शौक़ होना पड़ता है शौक़ के अलावा आप सेवा की भावना होनी चाहिए कि आप खिदमत कर रहे हैं किसी के बैठे हैं उस वक्त 19 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड है यार वो तो उसको उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा मेरे दोस्त पार्टी में होंगे वही कर होता नहीं मगर आप बैठे हैं एक बड़े आर्टिस्ट है आपके साथ चलो भाई उनके साथ बैठे हैं तो वो जो चीजें होती हैं ना भाई साहब उनसे बात करना वो इस जूज जो नेक्टर होता है वो अपने इंसान में आता है वो चीजें आपके रेखता में पिछले साल कोई दो चार शेर पढ़ रहा था किसी के वो किसी ने मुझे बोला ये तो डेढ़ मिलियन हिट्स हो गए और दो मिलियन हिट्स हो गए कोई कमाल नहीं है उसमें कोई मैं बैंड के साथ और ढिकचिक ये कुछ नहीं है सिर्फ मैं शेर पढ़ रहा हूँ मगर जब वो जाके कहीं किसी के इधर तकलीफ हो रही है इधर सुन तभी तो लोग सुन रहे हैं तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ये पिछले दस साल से आई एट अ प्लेस वेर आई प्ले एंड परफॉर्म फॉर माई सेल्फ ऑल्सो आपके लिए तो बजाते ही हूँ तो ये थोड़ा वक्त लगता है uh, मगर ये एक एक्सप्रेशन इंसान को अगर चांस मिले तो बहुत अच्छा है अगर प्रैक्टिस और प्रोसेस के बारे में आ, सम, समझने की कोशिश करें क्योंकि देखिए इंस्ट्रूमेंट आपके केस में तो सितार इंस्ट्रूमेंट तो वही रहेगा जो इंस्ट्रूमेंट कोई भी यूज़ करता पहले से चला आ रहा है और आगे भी यूज़ करेगा बेसिक इंस्ट्रूमेंट तो वही है और जो सात सुरों की का जो सिस्टम है वो वही है प्रैक्टिस का जो तरीका है वो भी मोटा मोटी घरानेदारी के हिसाब से थोड़ा बदलेगा ये दो तीन चीज़ें तो वही रहेंगी बिल्कुल फिर वो कौन सी चीज़ ऐसी होगी जो शुजात खां को शुजात खां बनाएगी और वो बनाए इसके लिए वो स्ट्राइव करते रहेंगे आपके केस में ये बताइए कि कोई ऐसा भी मौका आता होगा कि जब ये सब कुछ एक बेमानी हो जाता है और कहीं जाकर चीज़ें रुक जाती हैं और वहाँ से फिर आगे लगता है कि ये सब कोशिश कर रहा हूँ और आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ कोई ऐसा भी एक अगर क्रिएट क्रिएशन के प्रोसेस में ऐसा मोमेंट आ नहीं नहीं भाई जान आई एम सॉरी मेरे साथ uh, मेरे मेरे को ख़ुद से इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं आ, बहुत दफा मैंने आर्टिस्टों में फ्रस्ट्रेशन देखे हैं इसलिए होता है वो क्योंकि इंसान और वो आर्टिस्ट जो है वो अपने आप को उससे ज्यादा समझ रहा है आर्टिस्ट ये समझ रहा है कि मेरे में इतनी काबिलियत है मगर दुनिया मुझे वो जगह नहीं दे रही है मुझे ये कभी घबराहट परेशानी इसलिए नहीं रही क्योंकि मेरे को ऑलवेज़ ऐसा लगता है कि आप लोग सब ने ऊपर वाले ने खुदा ने मेरे सुनने वालों ने मुझे अपने हैसियत और अपने म्यूजिकल औकात से दस गुना ज़्यादा एक जगह दी है तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं वो फ्रस्ट्रेशन और वो अनहैप्पीनेस म्यूजिकलिटी में भी नहीं होता क्योंकि मेरे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि मैं ये करना चाहता हूं और मैं वो करना चाहता हूं और मैं ये कमाल दिखाना चाहता हूं ये स्पिनिकल में पहुंचना चाहता हूं मैं अपना म्यूजिक एंजॉय करना चाहता हूं उसके थ्रू आई देर आर ट्रैपिंग्स ऑफ लग्जरी अच्छा घर बन गया गाड़ियाँ होती हैं ज्वेलरी शॉल्स ट्रेवल राइट यही सब होता है जो मॉनिटरी ठीक है।, है मगर म्यूजिकली uh, मेरे ऊपर कोई प्रेशर है ही नहीं मैं ही नहीं डालता मैं इंजॉय कर रहा हूं जो मेरे पास है म्यूजिकली जो है जो मैं करता हूं मैं गाना बजाना करता हूं लोग इंजॉय करते हैं तो बहुत अच्छा हु. अब ये uh, जब इंसान पुश करता है और स्ट्राइव करता है कि मेरे को और कुछ करना है और को कुछ करना है क्यों क्योंकि आप लोगों को कायल करना चाहते हैं मुझे यह है कि भाई साहब अगर जब तक लोग प्यार से आपको सुनते हैं और इज्जत देते हैं तब तक तो बहुत अच्छी बात है जब तक वो आपको सुनने आ रहे हैं आप जाते हैं हॉल भर जाता है पांच हजार आदमी बाहर है अंदर है तो अच्छी बात है एक दिन आप दूंगे दो तीन दफा जाएंगे और देखेंगे लोग नहीं सुनने आ रहे तो आप समझ जाइए कि अब आप लोग आपको म्यूजिक नहीं पसंद कर रहे हैं तो आप फिर आप पान की दुकान डाल लीजिए किरायाने की दुकान डाल लीजिए अपना ज़िंदगी उस तरह गुजार लीजिए तो कोई अपने ऊपर प्रेशर दे के और मुझे ये करना है और यहाँ तक करना है क्या फ़ायदा है तो आई हैव नो नो थाट्स कि भाई मेरे को अभी ये करना है और ये नहीं हो रहा और वो कुछ नहीं कभी कभी बैठता हूँ सितार लेके सुबह मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ तो कभी छः साढ़े छः बजे आफ्टर आई फिनिश माई वॉक तो मैं मन होता है कि चाहे चल देखें कुछ दिमाग में आया कभी अच्छा भाव निकलता है कभी नहीं होता है छोड़ देता कोई बात नहीं देर इज़ नो प्रेशर प्रेशर में प्रैक्टिस इंसान कर सकता है मगर प्रेशर में अच्छा म्यूज़िक नहीं बना सकता वो मेरे ख़्याल से वो नेचुरली आता है हालांकि पिछले सवाल का एक हिस्सा आपने इस जवाब में कवर किया लेकिन अभी भी मेरा मन ये कहता है ये जानने की कोशिश कर मतलब दिल करता है कि जैसे आपने कहा कि अगर अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या बजाने वाले हैं आप किसी कॉन्सर्ट में पहुंचे तो आपसे पूछा गया क्या बजाने वाले हैं आपका कहना है कि ये मैं घर से कैसे तय करके आ सकता हूँ ये मुझे वहाँ जो एम्बियंस है ऑडियंस है ऑडिटोरियम है उसका वॉल्यूम है उसका स्पेस है उस वक्त हमारा क्या मूड है इससे आपने कुछ चीज़ें तो ये एक प्रोसेस है मतलब अगर आप देखिए कि सेलेक्शन में भी वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नहीं है मैं माफ़ी चाहता हूँ आई डोंट थिंक सो मच मैं ये ज़रूर है कि इधर से ये तय नहीं करता हूँ हफ़्ते बराबर एक दिन बराबर पहले कि मैं क्या गाना बजाना करूँगा मैंने दूसरे आर्टिस्टों को देखा है जब बहुत ज़्यादा एक राग को प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़्यादा एक राग सोचते हैं और एक हफ़्ते दस दिन पंद्रह दिन बजाते हैं कि एक प्रोग्राम में मैं बजाऊँगा जब वो पहुँचते हैं तो मैं बता सकता हूँ कि, कि ये कि ये कितना बासी हो गया है हु. क्योंकि एक चीज़ को बार 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 करते वो बासी हो जाता है सो इट इज नाउ यूजलेस आप यू आर जस्ट गोइंग ओवर द मोशंस वही चीज़ कोई चीज़ गाना बजाना कर रहे हो आपको आपने नहीं रहेगा प मरेगा ग ये आपने 20 दफा घर पे तो 50 दफा 100 दफ़ा बजा लिया तो ये नहीं रहेगा मा प मरेगा ऐसे ही होगा मगर अगर मेरा मन हुआ मैं नि मा प मरे गे स मेरे को मैंने उसमें एक स्पेस लगाया है वो उसी टाइम लगाया मेरा मन हुआ मैंने लगा दिया तो ये मैं प्रैक्टिस करके नहीं आया हूँ सो दिस इज समथिंग वो आप और हम उसी वक्त महसूस कर रहे हैं yeah. अगर आप एक पावर महसूस कर रहे हैं कि निरेगा पमा म पे गे सा तो इफ यू वांट टू मेक अ स्टेटमेंट इफ यू जस्ट वांट टू टॉक निरेगा मा प म रे गे सा इफ यू फीलिंग रोमांटिक निरे गा प प सा इफ़ यू तो ये एक ही फ्रेज को आप आप अलग अलग तभी कर सकेंगे दैट मैं उस उसी फ्रेज़ को सुनूंगा क्योंकि एक राग में बहुत सारे मिलियंस ऑफ फ्रेजेस तो नहीं होते हैं तो उसको आप जब बोलेंगे किस दिन किस दिन आपके किस फीलिंग होता है उससे आ रहा है अब अगर आपका ऐसा है कि भाई एक दिन आपका यही फीलिंग है मगर वो ही चीज़ मैं रोज़ सुनूंगा तो मज़ा नहीं आएगा मैं प्रोग्राम भी कम करता हूँ मैं अपने लेवल का सबसे कम बजाने वाला आर्टिस्ट हूँ मैं एक टाइम पे देखा मैंने एक सौ एक प्रोग्राम करने लगा था साल में तो मैं उसको कम कम करके मैं अबाउट फिफ्टी फिफ्टी फाइव प्रोग्राम्स करता हूँ समझी हफ्ते में एवरेज वंस अ वीक क्योंकि वो मैं देख रहा था कि मेरा म्यूज़िक मैकेनिकल हो रहा है मैं बैठ रहा हूँ वही चीज़ बजा रहा हूँ बैठ रहा हूँ वही चीज़ बजा रहा हूँ बैठ रहा हूँ वही चीज़ बजा रहा हूँ तो ये एक नॉर्मल होने लगा था तो उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करी है तो ये है कि उस दिन मेरा क्या मिजाज है वैसे गाना बजाना करते हैं। कुछ हमें गा कर बताइए जी जी आ, क्या चीज़ फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपको कबीर और खुसरो में बहुत दिलचस्पी है आ, तो आप वो भी गा सकते हैं अब एक कबीर की हम का, हम का उड़ाए चदरिया चलती बिरिया का उड़ाए चदरिया चलती बिरिया वो कबीर बहुत सुकून से मौत के बाद का बात कर रहे हैं हम का उड़ाए चदरिया चलती बिरिया हम का उड़ाए चदरिया चलती बिरिया भीतर से जब बाहर आए भीतर से जब बाहर आए छोड़ चले सब महल हटरिया चलती बिरिया तो उसकी एक, एक और लाइन है जब टॉकिंग अबाउट कहत कबीर सुनो भई साधो कहत कबीर सुनो भई साधो साथ चले बस सूखी लकड़ियाँ चलती बिरिया हमका उड़ाए चदरिया चलती बिरिया तो इनकी जो सिंप्लिसिटी है उसका मुझे बहुत मजा आता है आई आई एंजॉय अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पिया घर आए जी पिया घर आए भाग लगे से आंगन को रिसी हाय पिया घर आए अब लोग वो सब अपने उस्ताद के लिए कह रहे मैं तो खड़ी थी आस लगाए मेहंदी कजरा सिज सजाए जिस सावन में है आग लगे उस सावन को सखी है पिया घर आए पिया घर भाग लगे से भाग लगे से आंगन को पिया घर पिया घर इन लोग के ये जो सिंप्लिसिटी है ये मैं बहुत इंजॉय करता हूँ hmm. जी कबीर का आप वो पत्ता और पेड़ वाला भी आप सुना सकते हैं पत्ता बोल वृक्ष से सुनो वृक्ष बनरा अब के पत झड़ना दूर पड़ेंगे जाए पता बोला वृक्ष से वृक्ष बोला पत्ते से सुन पत्ते मेरे भाई वृक्ष बोला पत्ते से सुन पत्ते मेरे भाई यही जगत की रीत है एक आए एक जाए पता बोला वृक्ष से पता बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष बन रहा अब के पत झड़ न मिले दूर पड़ेंगे जाए वृक्ष बोला पत्ते से सुन पत्ते मेरे भाई यही जगत की रीत है यही जगत की रीत है एक एक जाए पता बोला वृक्ष से अगेन आप समझ सक रहे हैं कि, कि कितना आ, कितना आ, सिंपल आ, ख्याल है इंसान का बहुत वेरी वेरी सिंपल और सच्चाई भी है जी ये, ये बताइए कि जैसे ये जो घरानेदारी का संगीत है इसमें जो बीच बीच में ये एक मांग भी उठती रहती है और बहुत सारे लोग करते भी रहते हैं उसमें कुछ छेड़छाड़ उन बाउंड्रीज को पुश करना उसमें कुछ नई नए सेंसिबिलिटीज़ को लाना नई बंदिशों को शामिल करना क्योंकि ये सब जो ज़्यादातर बंदिशें जो ट्रेडिशन से प्रैक्टिस की जाती हैं वो तो पुरानी भी कभी पड़ जाती हैं और कई बार वो उनका मीनिंग भी कुछ और होता है लेकिन शब्द जो हैं वो रूढ़ होकर कुछ और गाने लग जाते हैं ये तो आप जानते ही होंगे गायकी में और वैसे भी जो बंधा हुआ एक दो पूरा डिसप्लिनड और एक वाटर टाइट फ्रेमवर्क है आप इसके बारे में क्या सोचते हैं बहुत लोग हैं अच्छा तो वो चाहते हैं कि मैं कुछ नया चीज़ करूं जिंदगी में uh, कि मैं कुछ नया करूं पिछले साल से नया करूं जिंदगी में नया करूं मुझे ऐसा शौक़ नहीं है क्लासिकल म्यूज़िक ऑलरेडी इतना बड़ा फील्ड है इत, इतना एरिया कवर करता है कि उसके अंदर बहुत सा अनएक्सप्लोर्ड एरिया अभी तक है तो उसको एंजॉय करने में कोई बुरी बात नहीं है अब उस फील्ड को छोड़ के अगर आप जाएं कोलेबोरेशन करें अलग आर्टिस्टों के साथ बैठें वो एक अलग चीज है वो क्लासिकल म्यूजिक नहीं है तो क्लासिकल म्यूजिक में जब कोई बहुत बड़ा चेंज आता है जैसे उस्ताद विलायत खान साहब ने लाया कि कि सितार के ऊपर एक गाने का एक गाय या गाने का स्टाइल आए तो उसमें आप क्या टेक्निकली आप पांच सुर की मीन खींच रहे सारे गा मा पा तो सा बहुत मुश्किल होता है फाइव नोट्स खींचना तो ये इसको उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया और लोगों को बहुत अच्छा लगा तो आपको एक एक चीज़ मिली कि भाई ये कमाल हुआ मगर अब जो लोगों का शौक़ है कि मैं एक नए राग बनाऊंगा फॉर एग्जांपल नए रागों का सबको बहुत शौक़ है कि नए नए राग बनाना मैं क्योंकि मेरे बड़े आर्टिस्ट हैं बड़े से उन वो भी कर चुके हैं इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये गलत है ये उनकी इच्छा है ये उनकी चाहत है आ, करते हैं लोग मैं समझ नहीं आता मुझे क्यों <laughs> पहले कोई रागों में कमियां तो नहीं हैं करोड़ों हज़ारों लाखों पता नहीं राग बने हुए हैं उसी को इन्जॉय करें बेसिकली अगर मैं कहता हूं मैं कोई राग बनाने वाला हूं तो मैं यही कर रहा हूं ना कि मैंने ए राग और दूसरे राग को लेके एक चीज बना दी तो वो कोई ऐसा कोई शैटरिंग चीज तो नहीं हुआ क्या बोलो कि भैया मैं एक मारुति है बाहर खड़ी है और एक मर्सिडीज है उसको काट के मैं जोड़ दूंगा तो सामने मारुति है पीछे मर्सिडीज है मगर क्यों मारुति में बैठ के घूमिए उसका भी एक मजा है मर्सिडीज़ में बैठी उसका भी मज़ा है उनको जोड़ने की क्या ज़रूरत है सेम वे जब मैंने कोलेब्रेशन बहुत सारे कोशिश किए ट्राई किए तो मुझे पता लगा कोलेब्रेशन इज़ लाइक अ पिकनिक मैं केहान कालोर के साथ वो वो केमांचे बजाते हैं ईरान के उनके साथ बहुत गाना बजाना किया ग्रैमी और ये और वो दुनिया भर में एडमिन फिलहारमोनिक के साथ बजाया यो यो माँ के कुछ के साथ कुछ काम किया जापान में सदा वतना के बहुत बड़े उनके साथ काम किया अभी एक शेर पढ़ती भी हैं और गाना भी गाती हैं ईरान की कतो दर्जी उनके साथ ये सब है दिस इज लाइक अ पिकनिक एक मजा है आप रोज दाल चावल खाते हैं तो किसी दिन डोसा खा लिया तो एक इंटरेस्ट एक अलग हो गया ना मगर उसमें ये अगर आप रोज उसको खाने में लगे तो थोड़े दिन पुखता जाएंगे तो सो इट्स इट्स एन इन्जॉयमेंट आर्टिस्टों से मैं लाखों आर्टिस्टों से मिलता हूँ मगर ऐसे आर्टिस्ट कोई मिले जो आपको समझ सके उनके साथ बैठ के थोड़ा मस्ती किया गाना बजाना किया दैट्स इट hmm. तो मैं अपने क्लासिकल म्यूजिक में भी और अपने कोलेबोरेशन में भी म्यूजिक में मैं कोई इनोवेशन्स ढूंढ नहीं रहा हूँ hmm. जो है जो रिदम है जो सुर हैं जो फीलिंग है, उसमें मैं मतमिन खुश हूँ मैं उसको इंजॉय करता हूँ सो आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक आइडिया कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ ऐसा नहीं है ये जो आपका एल्बम लाजो लाजो था वो आप आ, हम सभी लोग जानते हैं कि वो एक तरह से एक सेलर एल्बम की हैसियत रखता है जब आपने इसको बनाया होगा आ, तो उस वक्त आ, गायकी वाले पहलू को ज़्यादा प्रोमिनंस और इस हिसाब से आपने प्लान किया कि इस एल्बम को उस हिसाब से लॉन्च किया जाए मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था फोक म्यूज़िक कभी कभी प्रोग्राम के आखिर में बंगाल में रहते थे तो भटियाली बंगाल की फोक म्यूज़िक तो वो थोड़ा बजाते थे तो बहुत एक न, लाल पहाड़ी दे शे जा रंगी दे हे तक तो के, एक के बारे मना ये चीजें हैं लिख भेंगे मोर घोरे गए तो ये भटियाली है ये सब चीज़ें उन्होंने जब बजाने शुरू करी और गाना शुरू किया तो लोगों को बहुत मज़ा आता था कि इट इट्स ए रिलीफ ये बहुत हैवी क्लासिकल के बाद थोड़ा सा फोक फिर रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मुँह मारे नजरिया सांवर ये फिर यूपी क्योंकि यूपी के थे इधर के चीज़ गाते थे तो मेरा थोड़ा और थोड़ा मिजाज ज़रा खुला क्योंकि मैं हिमाचल पंजाब बहुत फ़ोक सुनता था लाजो लाजो पंजाब का एक फ़ोक है तो मैं भी गाना शुरू किया क्रिटिसिज्म तो हमारे हर चीज़ पे है अभी आप मैं क्रीम कुर्ता पहना हूँ हो सकता है जब लोग देखेंगे तो आपको लिख के भेजेंगे कि सुजात भाई ने ब्लू कुर्ता क्यों नहीं पहना तो ये तो एक एक, एक आ, मैं सितार बजा के स्टेज से उठूंगा तीन घंटे बजाऊंगा तो बोलेंगे चार घंटे क्यों नहीं बजाए और चार घंटे बजाओ तो बोलेंगे इतनी देर क्यों बजाए अगर किस दिस इज योर माइंड सेट बट बाय एंड लार्ज लोगों ने विलायत खान साहब को कहते थे लोग ये क्या है यार ये तो ये बेकार में गाना गाना गाता रहता है अरे तो तुमको वो नहीं सुनना है ना गाना तो मत सुनो तो उठ के चले जाओ मगर जो जिस चीज़ के लिए विलायत खान साहब हैं वो तो सुन लो शुजात शुजात के प्रोग्राम पर जगह दे यार वो आज गाएगा या कवाली करेगा या सितार बजाएगा वाई यू पुटिंग मी डाउन आपको नहीं पसंद मेरा गाना मुझे खुद नहीं पसंद मैं वोकलिस्ट तो हूं ही नहीं मैं तो पहले ही कहता हूं मैं तो सिर्फ वही अल्फाज जो हैं वो अल्फाज की खूबसूरती आपके साथ एक्सचेंज कर रहा कराऊंगा निरेगा नीरेगामा हाँ ये सब तो करता नहीं आपको वो भी नहीं पसंद है तो जब मैं मेरा आखिरी हिस्सा है जहां मेजोरिटी लोग सुनना चाह रहे हैं आपको नहीं पसंद तो उठ के चले जाइए ये तो वही बात हो गई ना टेलीविजन में नंगा पना क्यों गंदगी क्यों दिखाई जा रही है आप देख क्यों रहे हैं hmm. सबसे पहले पूछे आपको कैसे मालूम मैंने देखा था कल आपने देखा क्यों देखा आपने अगर आप देखोगे नहीं तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा सो दिस इज अ चॉइस आई एम गिविंग द वर्ल्ड अ चॉइस कि मैं क्लासिकल म्यूजिशियन भी हूं शिव कुमार शर्मा है उनके क्लासिकल म्यूजिशनशिप में कोई कमी रही अगर उन्होंने लम्हे में और किसी की सिनेमा में गाना दे दिया या हरिप्रसाद जी हैं उन्होंने सिर्फ सभी लोग ने रविशंकर जी विलायत खान साहब ने अल्लाह रखा खान दुनिया में अमीर खान साहब ने बड़े गुलाम मलिक सब लोग ने फिल्मों में काम किया तो उनका क्लासिसिज्म खत्म हो गया तो अगर आपने फिक्स किया है कि आप मुझे क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो जब लाजो लाजो आया मुझे मैगनसाउंड ने बोला कि आप इतने अच्छे फोक और ये सब गाते हैं एक

तो देर इज बीन सक्सेस और उसके बाद अभी तक लोग बहुत शौक़ से कहते हैं मैं जब प्रोग्राम पे जाता हूँ भाई ज़रा कुछ गा के ज़रूर सुना दीजिए उनका मतलब ये नहीं है कि आप सितार और क्लासिकल नहीं सुनाइए वो भी सुनाइए थोड़ा बहुत मिठाई के तौर पे वो भी दे दीजिए तो वो भी करता हूँ अच्छा लगता है तभी करता हूँ अगर लोगों को नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करूँगा आखिर में हमको बताइए कि ये जो अभी लिसनर्स की जो कम्यूनिटी है पहले तो ऐसे बैठकों में एक आ, अलग तरह के संगीत रसिक हुआ करते थे अभी वो पूरा बदल गया लिसनिंग हैबिट बदल गई लिसनिंग प्रोफाइल लिसनर्स की एक पूरी मिलेनियल जनरेशन आपके सामने है ऐसे में एक म्यूजिशियन के तौर पर आप कैसे इसको रिस्पॉन्ड करते हैं क्या आपके दिल में एहसास पैदा हैं मुझे बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग और मैं उनको यही जवाब देता हूँ साहब मुझे तो कोई डिफरेंस महसूस ही नहीं हो रहा है मुझे नहीं लग रहा है मैं जब थिएटर में बजाने जाता हूँ कमानी में बजाऊँ या और भी बड़े प्ले जो लोग सुनने वाले मुझे सुनने आते हैं उन्हें मालूम है कि मैं एक क्लासिकल म्यूजिशियन हूँ वो उसी श्रद्धा से प्यार से सीरियसनेस से मुझे सुनते हैं सो एक यंगर जनरेशन भी इसमें इन्वॉल्व हो गया आप हरिदास होता है ना स्वामी हरिदास दिल्ली में और तीन चार हज़ार आदमी सुनने आते मेरे को उसमें से सामने जो जमीन पर बैठा के एक हजार आदमी के डेढ़ हजार आदमी जमीन पर बैठे रहते हैं कोई उधर पच्चीस साल से ऊपर के उम्र का नहीं है हु. अब आप बताइए क्या परेशानी है तो जवान लोग भी शौक से म्यूजिक सुन रहे हैं उसी को इंजॉय कर रहे हैं हर जवान नहीं करता देखिए मस्ती के मस्ताने हजारों है मस्ताने हजारों है ये नशे की बात हो रही है सुर में भीग के दूसरे तरफ दूसरा नशे का बात कर रहा है चार बोतल वॉड का पीता हूं मैं रोज का इट इज अप टू यू एज ए जेनरेशन टू अंडरस्टैंड आप ये सुनना चाहते हैं या ये सुनना चाहते हैं आप वो गाना चाहते हैं या ये गाना चाहते हैं डगर चलत मोसे की नी रार मैं जा रही थी मेरे से छेड़खानी करी या yeah. तो रस्ते से जा रहा था मैं तो भेल पूरी खा तुझे मिर्ची लगी तो मैं ये भी एक गाना है दस नथिंग रॉन्ग विद इट इट इज़ अप टू यू अगर आप ऐसे अल्फाज जो वाहियात हों जो बेइज्जत इंसान को करते हैं जो औरत को बेइज्जत करते हैं इस किस्म की चीज़ें आप अपने जेनरेशन को समझा रहे हैं कि चार बोतल वॉट का पीना बहुत अच्छा है अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो दे इज नो प्रॉब्लम बट आई एम हैप्पी आई एम गिविंग यू एन ऑल्टरनेटिव आप वो ही मजा वही नशा वही तफरी आप एक इज्जत और अच्छी तरह भी सुन सकते हैं तो मैंने ये देखा है भाई साहब कि मेरे सुनने वालों में जो जवान लोगों की जो जो तादाद बढ़ रही है वो भी जानते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ सीरियस गाना बजाना करूँगा खूबसूरत गाना बजाना करूँगा उनको अच्छे फोक खूबसूरत अल्फाज के साथ सुनाऊँगा वो आते हैं यही जान के सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारा म्यूज़िक जो है जो चेंजेस आए हैं हर चीज़ में चेंजेस मॉडर्निज़्म जो है वो अफेक्ट करता है मगर एज अ आर्टिस्ट अगर मैं उसमें रूल ना जाऊँ देन वी आर फाइन ये मेरा ख्याल है तो शुजात साहब हम लोग अब बातचीत खत्म करेंगे लेकिन खत्म करने से पहले आप हमको लाजो लाजो के जी, ये एक गाँव में लड़की है उसकी शादी पक्की हो रही है सब दोस्त उसको छेड़ रहे हैं तो लाजो लाजो लाज मतलब कि जो शर्माने वाली लाजो लाजो है, लाजो 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 हाय लाजो लाजो तो अब अप, अपने मंगेतर के बाद बड़े ठा लाजो बारे ला लाजो रे लाजो लाजो बड़े जात का ब्राह्मण है हुँ। हुँ। रात नू जब दो सो दे सब ते जगदा चौकीदार या जगे, या जगे कोई इश्क दमारा या जगे कोई बीमार है जगे कोई इश्क दमारा या बीमार बिलाजो व वार लाजो लाजो है लाजो लाजो बड़े बहुत सिंपल और इनोसेंट चीज़ें हैं ये मुझे अच्छी लगती हैं बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत भाई <laughs> साहब कुछ आप और कहना चाहते हो तो अभी वक्त है कि आप कह सकते हैं <laughs> बहुत शुक्रिया <laughs> तो पहले ही बोला था भाई साहब मेरे पास कहने को ज़्यादा है नहीं आ, आ, मैं तो आपको ही कहता हूँ आर्टिस्ट लोगों को यार बस ठीक है आप चंद सवाल होते हैं अच्छा है कि देर आर पीपल हु वॉन्ट टू लिसन टू थाट्स इंसान के थाट्स हैं जिस से वो इंसान मुकम्मल होता है आर्टिस्ट तो है ही तो उसके क्या ख्याल हैं वो थोड़े से वो भी ज़रूरत होते हैं ए, और सुनने में अच्छा लगता है सुनने आ, बस इट्स अच्छा इतना उसके बाद और क्या बताऊंगा हमारे ये जो पीढ़ी है जवान बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है दे ऑल नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड व्हाट इज़ गुड फॉर अस बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया गुफ्तु में आज थे हमारे साथ मशहूर सितार वादक और गायक शुजात हुसैन खान कुछ कहना चाहते हैं आज के एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर guftugu.net rexta.org ta रहे हैं। आपका बेटा बड़ा हो गया पापा और अब हमारा घर भी गेट क्विक एंड ईजी होम लोन्स फ्रॉम बैंक ऑफ बरोडा फॉर योर ड्रीम होम